को मौसम बहुत क्लाउडी छ, तितली को निशानी हो दैट गर्मी इज ऑन। धीरे धीरे मन दुख्यो। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट करूं, तो गाइस मैं आज करूंगी 12 आवर चैलेंज, सिर्फ नेपाली में बात करूंगी। तो पहले मैं इंट्रो दे देती हूँ अच्छे से, तो कैसे बोलूँ, थोड़ा नेपाली इज नॉट गुड, एक्सेंट भी अच्छा नहीं है, बट फिर भी आई कैन ट्राई। हाँ, ट्राई करूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती गाइस। हेलो गाइस, हजुर को हार्दिक स्वागत छ मेरो च्यानल मा। अनि जो 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 हरूले मेरो च्यानल लाई सब्सक्राइब गरेको छैन त प्लिज गरिदिनु होला, अनि थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ मी गाइज। सो आजको यो मेरो ब्लग हो, मतलब दिस इज माई ब्लग, क्या भनौँको समझ आइरहेको छैन। म भर्खर उठेको हो, 10 बजी गछ और म भर्खर उठेको, तो अब म नास्ता वास्ता गर्छु। अनि आज हाम्रो गाउँमा, गाउँ मिन्स गाउँ ही होता है, मतलब आज हाम्रो गाउँमा जो क्लेमेन्ट टाउनमा म रहन्छु त्यहाँनिर पूजाहरू चल्दैछ तिब्बतिनको छम, त आज म त्यहाँनिर गएर देखान्छु हजुरलाई कसरी पूजा हुन्छ, अनि हजुरले दर्शन भी गरिहाल्नु। अनि हजुरहरू कन्फ्युज होला कि मेरो फ्यामिली कता छ, त मेरो फ्यामिली मम्मी मतलब ड्याडी त गइगयो वापस छुट्टी मनाएर यहाँनिर यहाँबाट, तो अहिले मेरो मम्मी छ उहाँ मन्दिरमा, बुद्ध टेम्पलमा जहाँ पूजा भइरहेछ, त म भी अहिले तयार भएर उहाँ जान्छु। अनि आजको मौसम, आजको मौसम ही भन्छ होला, आजको मौसम बहुत क्लाउडी छ, हेर्नुहोस् सो मच क्लाउड। सो अब हामी पनि तयार हुँला और एकदम फ्रेस भएर अच्छाले फेर जाउँला। म हजुरलाई कॉलोनीको मन्दिर वगैरह भी देखाइदिउँला और यु कैन डु दर्शन हजुरले, मतलब घरमा बसी बसी दर्शन भी गर्न पाउलु होला। सो सुगु, मेरो नेपाली सुनेर हजुरलाई कस्तो लाग्यो? हाँ, सोच रह क्या बोल रही है ये, कस्तो लाग्यो सुगुलाई? हाँ, सुगु ध्यान ही नहीं दे रही मेरे पे। सो अब जाम हामी फटाफट तयार भएर। सो गाइज, म रेडी नहीं भइ गछु, अब म गई रहे छु मंदिर में और वहाँ गए हजूला सब कुछ दिखाऊंगा। और ये देखो, यहाँ देखो तो कितनी ज़्यादा तितली उड़ी रहे छ, यो तितली को निशानी हो दैट गर्मी इज ऑन, गर्मी आ गई है। जब भी ये तितली उड़ती है तो गर्मी आ जाती है। तो गाइस, ज़्यादा दूर छे ना मंदिर, मेरे घर को पास में ही छा, तो मैं पैदल गई रह छू, अनि जाम फिर। सो गाइस, मैं आई गई छू यो बुद्ध टेम्पल तीनी रा, म पहिला एक नम्बर गेटमा गएको थिएँ तर त्यो बन्द थियो, त म सेकेन्ड नम्बर गेटबाट एन्ट्री गरिरहेको छु। मलाई धेरै लाज लागिरहेछ बोल्नमा, क्योंकि मलाई ढङ्गसँग नेपाली आउँदैन। सो लेट्स गो, म हजुरलाई पुरा मन्दिरको टुर गराउँला। गाइज, जो गेट बड़ा मो आको अहिले यो वाला सेकेंड एंट्री हो, और नाउ आई एम गोइंग मेन मंदिर में, त्यहाँ पूजा चली रहे छ, सो म गएर हजुरलाई दर्शन गराउँछु पहिले। सो ब्यूटिफुल। सो गाइज, म पुगियो, यो हो मेन मंदिर, कति सुंदर छ नि यो। सो यहाँ पे होने वाला है पूजा, सो वी विल गो एंड डू पूजा। सो यो हो मेरो मम्मी, त मम्मी आज मैले नेपाली बोल्नेको च्यालेन्ज गरिरहेछु। कस्तो लाग्यो हजुरलाई मेरो नेपाली? बहुत राम्रो लाग्यो। सो नाउ हामी यहाँ आइगछ, मम्मी भी मलाई भेटिगछ, कमेडी लग रहा होता नेपाली सुन्न। सो जैसे कि मैले बताए हजुरलाई कि मेरो यति राम्रो नेपाली छैन, तर आई विल ट्राई एन्ड आई एम ट्राइङ। सो हामी यहाँ पुगेको छ, अब पूजा हुन स्टार्ट लागेछ।
जो नेपाल से एंड दे आर ट्विंस और आज मैंने नेपाली ब्लॉग चैनल ऊ चैलेंज था नेपाली बोलने वाला मुझसे कुछ पूछो संजय शर्मा संजय हजू सब मस्त हजू नेपाल बड़ा कता बड़ा हो बुटोल बड़ा चलो गाइस पूजा नहीं सकियो अनि आई होप हजूले दर्शन भी करियो रा और यो मेरो मामा हो बाप रे गुच्ची का टोपी हैं देखा मेरे मामा कितनी भयंकर से गुच्ची को टोपी लगा भाई वो ओरिजिनल है हैं मामा कहाँ से लियो बताओ कहाँ से लियो बताओ ना बोलते ही नहीं सो इन ला मैले डोरेमोन मचू क्योंकि ये डोरेमोन जैसे लगते हैं है कि नहीं प्लीज कमेंट करके जरूर बताना खाई फेस दिखाओ मामा आजू को हाय बंदो मेरे सब्सक्राइबर लाइक हाय बंदो ना हाथ ऐसे करके हाय मेरे मामा बहुत शर्माई रहे जो मैं मम्मी ला कन्विंस करी रहे छु कि मला आम दो को चाउमीन मोमो खिलाए दो अब तो कैमरा खुली गया अब तो खिलाए दो मम्मी नो मैं खिला नो नो मला बहुत मन पड़ चुके हो चलो ना खिलाई दो ना कैसी मम्मी यार खिलाती भी नहीं है खिलाई दो ना यार कैमरा खुल गया हाँ बन दो जल्दी हाँ बनो हाँ बनो हाँ मैं लाश देती मले कहाँ की के हिल जाती है ना माथा सा हजुर पाच चलो अब हम आम दो मजाम अनि गैर जैम गरम जैम मो आई पुके आम दो मा बाहर बड़े खुशबू आई रहे सब भाई कब भीतर गरा खाने में कई बंदे का कुछ भी छह ना खत्म होएगा तो पोपट भेज जाला सो अब हम ही पुकियो भैया कुछ छो कुछ है चाउमीन यही यही प्रॉब्लम था मोमो कर दे ना एक प्लेट यहाँ तो चाउमीन नहीं सकी हो सब कुछ सकी हो बस मोमो से मोमो खाने हो सो मेरा मोमो भी आई गो एंड आज चाउमीन छोड़ने वाले तो मोमो से ही काम चलेगा सो ये मेरे मम्मी को दोस्त हरू हेलो मेरे मम्मी ने हमेशा बिस्किट वगैरह खिलाना चाहिए तो ये मम्मी को दोस्त मम्मी को चिल्लर पार्टी तो घर पुकी गयो और आज मम्मी रे मो थोड़ा कूड़ा कहानी गरम गरम मम्मी कूड़ा कहानी गरम जाओ बाबू मरा वाई कूड़ा कहानी मने को काम ना आ रहा कूड़ा कहानी गरम जाओ वाई वाई मनाओ मरा भूंगला से जाओ तो कत्ती वाई वाई खांचा हजुल्ले जाओ वाई वाई जाओ तो नानी झोल वाला बनाओ जाओ तो शुरू शुरू का नहीं 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 बोल यो... खा ली ले नहीं झोल शुरू शुरू देखो यही यो शुरू शुरू मैंने मम्मी संग सीखे को मेरे मम्मी को भी नेपाली इस तो अच्छा तो सोचो मेरे नेपाली कष्ट तो होला तो मम्मी को बता हम को नेपाली इतनी अच्छा किना छेना किना माने आने हिंदी मिक्स हम तेरी बेरा मेरे मम्मी को भी राम्रो छैन नेपाली और मेरो भी छैन हामी नेपालमा धेरै बसिएका छैनन् हामी चाहिँ धेरै इन्डियामा बसेछौँ त्यसकारण हाम्रो नेपाली राम्रो छैन अब हेरौँ खानामा के बनाऊ यो खाँसीले दिमाग अझै को खाऊ न बाबु होइन अब के गर्ने हो भन्नुहोस् बाबु अब वाई वाई बनाऊ त म अब जान्छु मम्मीको लागि वाई वाई बनान्छु त्यसको बाद मम्मीले सुरुप सुरुप खानुहुन्छ ल फेरि है लागौँ काममा म आज हजुरसँग एउटा बात गर्न चाहन्छु कि मेरो बहुत मन दुख्यो धेरै धेरै मन दुख्यो कि सबले भन्यो कि तिम्रो बिल्ली बहुत सुन्दर छ तिमी भन्दा यति बदसुरत हो क्या मैं ये मेरो टेस्टी चीज बर्गर आई गयो थैंक यू सो मच रानी वाला फीलिंग आ रहा है ओ माई गॉड कति मस्त मेल्ट भइरहेछ चीज लेट मी ट्राई फर्स्ट भाई जो तुमने इसमें अचार को
टचिँदै छ नि त्यो मस्त गाइस. यसमा यसले चिज एग अनि अचार हालेछ मुलाको, त्यो बहुत मस्त. त म अब खान्छु, फेरि यो ब्लगलाई म एन्ड गर्छु. आजको मेरो दिन भइगयो कम्प्लिट. म यो भिडियोलाई यहीँ एन्ड गरिरहेछु. अनि मसँग जो भी मतलब भुलचुक भयो होला कि मेरो नेपाली यति राम्रो छैन, किन म बचपनबाटै इन्डियामा बसेको, मलाई यति नेपाली आउँदैन, तर जति पनि मैले कोसिस गरेँ, अगर मैले थोडा सा भी कोही गल्ती गरेँ होला त मलाई माफी दिनु होला प्लिज. दिल से मैले आफ्नो पुरा मतलब कोसिस गर्यो म अच्छाले बोलौँ, तर फिर पनि कहीँ भुलचुक भयो होला त त्यसलाई माफ गरिदिनु होला. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग मी. थैंक यू. अनि मेरो 20K क्रॉस भइगयो. थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरी वन हु सपोर्टिंग मी. थैंक यू गाइज, दिल से थैंक यू. और धेरै खुशी लागिरहेछ मलाई यो आफ्नो हेप्पीनेस हजुरसँग सेयर गर्दाखेरि. त ल ल हुन्छ, फेरि अर्को नेक्स्ट ब्लगमा भेटौँला. बाई बाई, टेक केयर.